बीए के सब्जेक्ट हिंदी में बिहारी लाल जी से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहारी जी से हैं जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछे ही जाते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है तुलसीदास कबीरदास बिहारी लाल जी से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आते ही हैं बीए हिंदी मॉडल पेपर में, ठीक है, हिंदी प्रश्न पत्र में। तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी फर्स्ट मॉडल पेपर के बारे में। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए आज के इस पहले क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बिहारी कैसे कवि थे। नंबर एक रसिक, बी नंबर भक्त भाव, सी नंबर दास के भाव, डी नंबर माधुर्य भाव। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि अवध यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटी में और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन आते हैं रोज से चेंज हो चुके हैं, मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं पिछली वीडियो से बताते ही चला आ रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एक आप क्वेश्चन रहेगा, चार ऑप्शन होंगे, एक सेलेक्ट करना होगा। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट बोल रहे थे कि अभी ये रूल्स नहीं लागू हुआ है। तो फिलहाल जिन यूनिवर्सिटी में ये रूल्स लागू हो रहा है तो वो वीडियो को इन तक ज़रूर देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर रसिक, ठीक है, बिहारी जी रसिक थे, ठीक है, रसिक कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, बहुत सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं, सारे क्वेश्चन आप अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, जो मैं बताता हूँ आप समझ लेते हैं, तो आई होप आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी जी के गाँव का क्या नाम था। नंबर एक राजापुर, बी नंबर ननकाना, सी नंबर सोरो, डी नंबर बसवा गोविंदपुर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, बसवा गोविंदपुर बिहारी जी के गांव का नाम था। आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी जी के काव्य का मुख्य रस क्या है। नंबर एक करुण, बी नंबर शांत, सी नंबर श्रृंगार, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो बिहारी जी के काव्य का प्रमुख रस है उसका क्या नाम है हम बात करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, श्रृंगार, ठीक है, बहुत मुख्य रस है, ठीक है, बिहारी जी के काव्य में श्रृंगार रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, निम्न में से रीत सिद्ध कवि कौन है। नंबर एक घनानंद, बी नंबर बिहारी, सी नंबर देव, डी नंबर पद्माकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, बिहारी, बिहारी जी क्या है, रीत सिद्ध कवि हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था। नंबर एक काशी, बी नंबर बिहार, सी नंबर ग्वालियर, डी नंबर मध्य प्रदेश। तो जो बिहारी जी थे यानी कि बिहारी का नाम आते समझ जाइएगा कि बिहारी लाल जी की ही बात हो रही है, क्योंकि एग्जाम में आपके शॉर्ट नेम भी दिया जा सकता है कि बिहारी, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ये बिहारी लाल जी हैं, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इसका जो राइट आंसर क्या होता है, नंबर एक है, आप लोगों को नंबरिंग मैंने कर दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ग्वालियर। जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम है प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहारी ने किसका शिष्यत्व स्वीकार किया। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि बिहारी ने, ठीक है, बिहारी ने किसको अपने आप को शिष्य, ठीक है, किसको शिष्य, मतलब कि वो खुद शिष्य थे, वो अपने किसको गुरु मानते थे, इस क्वेश्चन का मतलब ये है, मैं फिर से समझा देता हूँ, यानी कि बिहारी लाल जी अपने आप को किसका शिष्य मानते थे, ठीक है। तो नंबर एक नर हरिदास, बी नंबर रहदास, सी नंबर रहीम, डी नंबर नामदेव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है ए नंबर नरिहरदास जी, ठीक है, ए नंबर नरिहरदास जी को अपना वो क्या समझते थे, अपना गुरु मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी का जन्म कब हुआ था। नंबर एक संवत में दिया गया है, आप ध्यान दीजिएगा, सर नहीं है संवत है, तो 1220 में, बी नंबर है 1652 में, और सी नंबर है 1500 में, डी नंबर है 1540 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है बी नंबर, ठीक है, 1652 संवत 1652 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहारी के गुरु नरिहरदास कहाँ रहते थे, ठीक है। तो नंबर एक बनारस, बी नंबर कन्नौज, सी नंबर मथुरा, डी नंबर है ओरछा।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो क्या होता है, वो होता है डी नंबर, ओरछा। ठीक है, राइट आंसर ओरछा हो जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो सारे क्वेश्चन हैं सब मैंने PDF तैयार कर ली है। ठीक है, तो ये सारी PDF जैसे आपको लेना चाह रहे हैं कि ये सब PDF में हमें मिल जाती, जिसे डाउनलोड कर लेते हम और परमानेंट मेरे मोबाइल में रहती, जिससे मैं अपनी पढ़ाई कर पाता। तो वीडियो के लास्ट में बता दूंगा आप लोगों को कि ये PDF कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारे क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। बिहारी क्वेश्चन नेक्स्ट है, बिहारी जिन 1662 में किस राजा के यहाँ अपनी वृत्ति लेने गए। बिहारी जी ने, क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिएगा, बिहारी जी ने, जी ने वो थोड़ा उल्टा हो गया। ठीक है, बिहारी जी ने यानी कि 1662 में किस राजा के यहाँ अपनी वृत्ति लेने गए। तो नंबर एक मान सिंह, बी नंबर है गोविंद सिंह, और सी नंबर है जय सिंह, और डी नंबर है अकबर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। ठीक है, जय सिंह के यहाँ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरी नरी पराग नहीं मधुर मधु पंक्ति किस कवि की है। शायद ये आपने सुना ही होगा, ये पंक्ति के बारे में पूरी आपने पढ़ी होगी, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं अराग, आगे पता ही होगा आप लोगों को। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हो जाएगा बिहारी जी की ये पंक्ति है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बिहारी लाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राजा का क्या नाम था जो नरिहरदास जी के दर्शन के लिए वृंदावन आया और बिहारी को अपने साथ ले गया। नंबर एक अकबर, बी नंबर जहांगीर, और सी नंबर है औरंगजेब, डी नंबर है शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर शाहजहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहारी शतशाही पर किसका प्रभाव नहीं है। नंबर एक अमरुख शतक, बी नंबर गीत गोविंद, सी नंबर आर्या सप्तशती, और डी नंबर है गाथा सप्तशती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है, क्या होता है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है बी नंबर गीत गोविंद। ठीक है, गीत गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कवि ससुराल में रहता था। नंबर एक पद्माकर, बी नंबर बिहारी, सी नंबर देव, डी नंबर रसलीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि आज की इस वीडियो में हम बिहारी जी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी सतसई कितने दो में कितने दोहे हैं। जो बिहारी यानी बिहारी जी की जो रचना है बिहारी सतसई, उसमें कितने दोहे हैं। तो नंबर एक ऑप्शन है 880, बी नंबर है 450, सी नंबर है 713, डी नंबर 200। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर 713। ठीक है, 713 दोहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी सतसई किस वर्ग में आते हैं। बिहारी सतसई किस वर्ग में आते हैं या आती हैं। ठीक है, जो ये कृति है वो किस वर्ग में आती है। नंबर एक महाकाव्य, बी नंबर चंपू, सी नंबर मुक्तक काव्य, डी नंबर में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है दोस्तों वो होता है क्या, सी नंबर मुक्तक काव्य। बिहारी सतसई मुक्तक काव्य वर्ग में आती है या आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी को एक दोहा लिखने पर राजा जय सिंह से कितनी असरफियाँ मिलती थी। पहले जैसा कि आपको मालूम ही होता था कि किसी के बारे में दोहा लिखा जाता, जैसे कि कोई राजा है और कोई उसको एक कवि मिल गया, तो उसके बारे में पूरी डिटेल में उसके बारे में दोहा लिखते थे, उसके बारे में सोठा जो भी बनता था पंक्ति लिखते थे। तो उसके बदले में राजा लोग उन्हें कुछ दिया करते थे, जैसे कि क्वाइंस हो गए, असरफिया हो गई, या गोल्ड हो गया, सोने का सिक्का हो गया, या चांदी का सिक्का हो गया, ऐसे दिया करते थे। तो असरफियाँ कितनी मिलती थी राजा जयसिंह के यहाँ पर। तो एक दोहों का दोहा लिखने के लिए उन्हें क्या मिलता था, मैं आपको बता दूँ। राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर एक, यानी कि बिहारी जी को एक दोहा लिखने के लिए राजा जयसिंह उन्हें एक असरफी देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता बिहारी के काव्य में नहीं आती थी। नंबर एक राष्ट्रीय भावना, बी नंबर नायिका का वर्णन, सी नंबर चमत्कार, डी नंबर श्रृंगार प्रधानता।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है ए नंबर, ठीक है। राष्ट्रीय भावना बिहारी के काव्य में नहीं आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी ने कितने ग्रंथों की रचना की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। नंबर एक 5, बी नंबर 2, सी नंबर 8, डी नंबर 1। तो जो बिहारी जी ने ग्रंथों की रचना की है वो हैं कितनी, 1। बिहारी जी ने 1 ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके लिए ये कहा जाता है कि इन्होंने गागर में सागर भर दिया। तो नंबर एक है देव, बी नंबर सेनापत, सी नंबर रसलीन, डी नंबर बिहारी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है डी नंबर, क्या हो जाएगा, बिहारी। बिहारी जी को ये कहा जाता है गागर में सागर भरने का काम किया है, ठीक है। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, ये सब क्वेश्चन आपके 10th 12th के ही हैं, बस थोड़ा एडवांस लेवल में, बस कुछ उसमें डिफरेंट कर दिया गया है वो, और सेम आपको बीए में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी वही रहते हैं, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, बिहारी जी, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, सब कभी वही लेखक वही रहते हैं, बस थोड़ा एडवांस क्वेश्चन हो जाते हैं बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी किस काल के कवि हैं। नंबर एक छायावाद, बी नंबर आधुनिक काल, सी नंबर भक्ति काल, डी नंबर रीतिकाल। तो हमारे जो बिहारी जी थे वो किस काल का के कवि थे, तो वो थे किस काल के, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, रीतिकाल के कवि थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में बिहारी लाल जी के भाषा का नाम है, यानी कि जो बिहारी लाल जी की भाषा थी, लैंग्वेज थी, वो कौन सी थी। नंबर एक बुंदेलखंड, बी नंबर मगही, बी सी नंबर है अवधी, और डी नंबर है ब्रज भाषा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, बिहारी लाल जी की जो लैंग्वेज थी, भाषा थी, वो थी ब्रज भाषा। ध्यान देना आप लोगों को, क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी जी के बेटे का नाम है, या क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि बिहारी जी के बेटे का क्या नाम था, ठीक है, ये यहाँ पर था क्योंकि अब तो कुछ रहा नहीं, तो था में आ जाएगा, ठीक है, क्या नाम था। नंबर एक रंजन, बी नंबर कृष्णलाल, सी नंबर जहीर, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, कृष्णलाल, बिहारी जी के बेटे का नाम था कृष्णलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिहारी में निम्न में बिहारी जी के पिता का नाम क्या है, यानी कि इन जो ऑप्शनों में से बिहारी जी के पिता का क्या नाम है। नंबर एक केशवदास, बी नंबर मुनिराज, सी नंबर घनानंद, डी नंबर में से कोई नहीं। तो जो बिहारी जी थे उनके पिता का नाम था केशवदास, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, केशवदास था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहारी सतसई का संस्कृत में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। नंबर एक कबीरदास, बी नंबर तुलसीदास, सी नंबर पंडित परमानंद, और डी नंबर है बिहारी लाल। तो बिहारी जो सतसई थी, आप लोगों को पता है कि बिहारी जी की यानी कि रचना थी, ठीक है, तो उसको तो संस्कृत में किसके द्वारा अनुवाद किया गया था, तो जिन्होंने इसका रचना संस्कृत में किया था उनका नाम था श्री पंडित परमानंद जी, यानी राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्न में से आचार्य बलदेव ने बिहारी जी को किसका बादशाह माना है। नंबर एक सोरठा का, बी नंबर दोहा का, सी नंबर चौपाई का, डी नंबर है कबित्त का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोहा, आचार्य बलदेव जी ने बिहारी जी को दोहा का बादशाह माना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्योंकि बहुत सारे जो एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो थोड़ा लंबे होंगे, यानी कि काफ़ी एक दो लाइन में क्वेश्चन ही क्वेश्चन होगा, तो आप समझिएगा फिर आंसर दीजिएगा, ठीक है। बिहारी जी की रस व्यंजना, ठीक है, का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है, ये किसने कहा या ये कथन किसका है, ठीक है। तो नंबर एक घनानंद, बी नंबर तुलसीदास ने, और सी नंबर है रामकुमार ने, और डी नंबर रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
डी नंबर रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी रत्नाकर के रचनाकार का क्या नाम है? नंबर एक केशवदास, बी नंबर नरिहर दास, सी नंबर जगन्नाथ दास रत्नाकर और डी नंबर है रहीमदास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है दोस्तों वो होता है सी नंबर, ठीक है। सी नंबर होता है जगन्नाथ दास रत्नाकर, बिहारी रत्नाकर के रचनाकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी जी को क्या माना है? तो नंबर एक है गुरु माना है, बी नंबर रसवादी, सी नंबर अलंकारवादी, डी नंबर है पंडित। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर रसवादी, रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी लाल जी को रसवादी माना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ जिस कवि यानी कि जिस काल के कवि श्री बिहारी दास जी जी हैं, ठीक है, उस काल का सबसे सबसे लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? नंबर एक रस सागर, बी नंबर बिहारी सतसई, सी नंबर कवि प्रिय, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है बिहारी सतसई, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बिहारी सतसई, लोकप्रिय ग्रंथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी लाल जी का देहांत कब हुआ था या मृत्यु कब हुआ था, ठीक है। तो नंबर एक है संवत 1900, बी नंबर संवत 1700, उसी नंबर संवत 1720 और डी नंबर है संवत 1820। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है क्या होता है, सी नंबर राइट आंसर होता है, ठीक है, संवत 1720 ईस्वी में। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें रट लीजिएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को पीडीएफ में और क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कहाँ मिलेगा ये पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो एक सेकेंड आप टाइम दीजिए। तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे वेबसाइट है, ठीक है, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड थर्ड थर्ड ईयर से रिलेटेड यहाँ पर आप लोगों को सारे क्वेश्चन पीडीएफ में देखने को मिलेंगे, ठीक है, आप लोगों के लिए बनाई है। इस वेबसाइट का लिंक जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से इस वेबसाइट पर आप क्लिक करके, ठीक है, वेबसाइट पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा बीए फर्स्ट ईयर तुलसीदास कबीरदास और बिहारी जी, इन सब सारे आप लोगों को वहाँ पर मिलेंगे क्वेश्चन और आंसर। तो आप बिहारी जी का जो भी आपको लगे अच्छा आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं नीचे पीडीएफ, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन, अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर आप इसी तरह के और भी क्वेश्चन और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं और भी वीडियो आप लोग तक प्रोवाइड करूं। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं, अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो चैनल पे जाके देखिए, आपको पूरी तरह से हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। मुझे लगता है कि मेरे पास जो नॉलेज है मैं आप लोगों तक, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको थोड़ा भी बहुत नॉलेज नहीं है, तो उन लोगों को मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूं कि हाँ भाई एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उनको आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।